ऑमलेट मसाला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये हमने 6 पीस अंडा लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, 2 हरी मिर्च। चलिए इसे बनाते हैं। ये मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है, ये गर्म हो चुका। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो चुका है, अब इसे और ब्राउन करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज पिंक हो गया है, ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्राउन हो रहा है हमारा प्याज, अभी थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा प्याज हो चुका है, इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे भून लेंगे। और इसमें हमें मसाले चाहिए, वो मसाले हम ऐड करते हैं। ये हमारा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, ये हमारा आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। हम इसमें लाल मिर्च पाउडर कम डालेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाले हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप देख सकते हैं अब इसे हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा मसाला भुन चुका है, ये ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा। इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया पत्ता, ऐसे मिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने ये 6 अंडा लिया है, अब इसे हम फोड़ के इसके अंदर डाल लेंगे। चलिए देखते हैं। आप इस तरीके से अंडा को फोड़ लें और इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर दें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इसका जो पीला पार्ट है वो ना टूटे, एक मुझसे टूट गया है लेकिन आप ध्यान रखें वो ना टूटे तो ज़्यादा अच्छा आपका बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर सारा अंडा ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर सारा अंडा ऐड कर दिया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट तक कुक होने देंगे ढककर। तो देखिए मैं इसे इस तरीके से अच्छे से ढक देती हूँ ताकि इसे लो पे नहीं रखेंगे तो आपका अंडा नीचे से जल जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने बनाया है उसी तरीके से आप बनाएं। तो हमारा 10 मिनट हो चुका है ये कुक, अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए जब आप इसके अंदर अंडा डालें तो इसे बिल्कुल भी ना चलाएं, इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है, इसे बिल्कुल लो मीडियम पे कुक कर लें। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा अंडा कुक हो चुका है, ये बिल्कुल भी नहीं जला है और ये चारों तरफ से बिल्कुल बनके रेडी है। तो चलिए इसे शॉप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये अंडा बिल्कुल तैयार है, ये पक चुका है। आप इसी तरीके से पकाएं और खाएं और बताएं कि कैसा लगा। आप देख सकते हैं मैं इसे आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, इसको मैं पलट कर भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये किस तरीके का दिख रहा है, ये देखिए।
ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और ये झटपट बन जाते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और खाएं और बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।